अपनी इस आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे हम, अपनी इस आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे हम, शहीदों की कुर्बानी यूँ बदनाम न होने देंगे हम। बची हो जो एक बूंद भी कतरा लहू की, बची हो जो एक बूंद भी कतरा लहू की, तब तक भारत माँ का आँचल यूँ नीलाम न होने देंगे हम, भारत माँ का आँचल यूँ नीलाम न होने देंगे हम। चढ़ गए जो हंसकर सुली, चढ़ गए जो हंसकर सुली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, ऐसे वीर सपूतों को हम प्रणाम करते हैं। मर मिट गए जो देश के खातिर, ऐसे अमर शहीदों को हम सलाम करते हैं, ऐसे अमर शहीदों को हम सलाम करते हैं। एलएसी चीन सीमा पर शहीद हमारे वीर सपूत जवानों को नमन करते हुए सादर प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए, यूनिट वन इंस्पायरेशन, यूनिट वन इंस्पायरेशन, प्रेरणा, रीडिंग ए में है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। तो ये जो लेसन है इसमें तीन लोग हैं जिनके बीच वार्तालाप हो रही है, नाना जी, अजीत और नैना। देशभक्ति विषय पर बच्चे जो हैं नाना जी से प्रश्न कर रहे हैं और नाना जी उनका जवाब दे रहे हैं और उनसे भी प्रश्न करके उनको संतुष्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना जी इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा हुआ है, यानी कि कोई कह रहा है, नाना जी व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, नाना जी ये देशभक्ति क्या होती है, क्या है, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है, आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा। तो अजीत पूछता है, नाना जी देशभक्ति क्या है, नाना जी व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, नाना जी देशभक्ति क्या है। तो फिर कोई बोल रहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, देखिए, इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू, इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू। इसका मतलब है गांधी जी और चाचा नेहरू के समान जेल जाना, यानी कि पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का मतलब है गांधी जी और चाचा नेहरू के समान जेल जाना। आर डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, आर डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, या अपने देश के लिए मर जाना, आर डाइंग फॉर योर कंट्री, या अपने देश के लिए मर जाना लाइक भगत सिंह, भगत सिंह के समान अपने देश के लिए मर जाना, ये क्या है, एक देशभक्ति है। एक्सप्लेंड हिज सिस्टर नैना, तो उसकी बहन नैना ने एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया, यानी कि अजीत ने पूछा नाना जी देशभक्ति क्या चीज़ होती है, तो उसकी बहन नाना जी ने तो जवाब नहीं दिया, पर उसकी बहन नैना जो है वो एक्सप्लेन करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहती है कि गांधी जी के समान या नेहरू जी के समान जेल जाना या भगत जी के समान अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना ही क्या है, देशभक्ति है। कौन स्पष्ट करती है, नैना। तो देखिए फिर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है, कोई कह रहा है, यस नैना यू आर राइट, हाँ नैना तुम ठीक हो, तुम सही हो, या तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। बट इट आल्सो मीन्स अलॉट मोर, बट इट आल्सो मीन्स अलॉट मोर, लेकिन इसका मतलब और व्यापक है, केवल अपने देश के लिए मर जाना या जेल जाना ये ही देशभक्ति नहीं है, इसका मतलब और व्यापक है, बड़ा है, कैसे बड़ा है, टू बी ए पैट्रियोट वन नीड नॉट टू डाई, एक देशभक्त बनने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता नहीं है किसी को, एक देशभक्त बनने के लिए किसी को अपने प्राणों की आवश्यकता, आहुति देने की आवश्यकता नहीं है।
आर गो टू जेल या जेल जाने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल जेल जाना या मर मिटना, इतने बस से देशभक्त नहीं बनेंगे, या केवल यही तक सीमित नहीं है देशभक्ति का मतलब। तो नाना जी कह रहे हैं, एक देशभक्त बनने के लिए किसी को मरने की आवश्यकता नहीं है और नहीं किसी को जेल जाने की भी आवश्यकता है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री, वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री। आपको अपने देश के लिए प्रेम जताना है, प्रेम दिखाना है, ये भी एक देशभक्ति है इनके अनुसार, नाना जी के अनुसार। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री, कोई एक व्यक्ति अपने देश के लिए प्रेम जता सकता है इन मेनी स्मॉल वेज, इन मेनी स्मॉल वेज, छोटे छोटे बहुत सारे माध्यमों के जरिए अपने देश के लिए प्रेम जताकर भी हम जो है देशभक्त बन सकते हैं। छोटे छोटे माध्यमों के जरिए हम अपने देश के लिए प्रेम जताकर भी देशभक्त बन सकते हैं। कौन कह रहे हैं? नाना जी, नाना जी सैड, नाना जी ने कहा। तो देखिए फिर क्वेश्चन किया जा रहा है, फिर प्रश्न किया जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है, कोई प्रश्न कर रहे हैं नाना जी को, हाउ, कैसे कैसे हम छोटे छोटे माध्यमों के जरिए अपनी देशभक्ति जता सकते हैं। बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। तो नाना जी फिर कह रहे हैं, अपनी देश की संस्कृति से और यहाँ के लोगों से प्रेम करके भी हम इसके प्रति देशभक्ति जता सकते हैं। कौन कह रहे हैं? नाना जी। बाय लविंग इट्स कल्चर, यहाँ की संस्कृति से प्रेम करते हुए, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों से प्रेम करते हुए हम अपनी देशभक्ति जता सकते हैं। डू यू रिमेम्बर अजीत, अजीत को फिर कह रहे हैं नाना जी जो है, डू यू रिमेम्बर अजीत, क्या तुमको याद है अजीत, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, क्या तुमको याद है जी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सलामी के बाद, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सलामी के बाद अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड, एक धुन बजाई जा रही थी या बजाई गई, अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड, क्या तुमको याद है अजीत, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सलामी के बाद एक धुन बजाई गई, क्या तुमको याद है? तो देखिए, यस नाना जी, हाँ नाना जी, कोई और कह रहे हैं, हाँ नाना जी मुझको क्या है, याद है वो धुन, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड, जैसे ही धुन बजी, बजना प्रारंभ हुई, यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड, आप खड़े हुए और तब तक खड़े रहे जब तक कि गाना ख़त्म नहीं हो गई, अंत तक, टिल द एंड, अंत तक, हाँ नाना जी मुझको याद है, जैसे ही धुन बजी आप खड़े हो गए और तब तक खड़े रहे जब तक कि गाना समाप्त नहीं हो गया। Do you know what the tune was? फिर देखिए नाना जी फिर पूछ रहे हैं, Do you know what the tune was? क्या तुमको पता है वो ट्यून कौन था, कौन सा था? क्या तुमको पता है वो ट्यून, वो धुन कौन सा था? I know नाना जी, नैना said। तो नैना कहती है, हाँ नाना जी मुझको पता है वो धुन कौन सा था, क्या था वो धुन? तो देखिए, It was our national anthem, जन गण मन। तो देखिए नैना कह रही है, इट वॉज आवर नेशनल एंथम जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगान जन गण मन था, ये हमारा राष्ट्रगान क्या था, जन गण मन। कौन कहती है? नैना। गुड, तो नाना जी कह रहे हैं गुड, ठीक, अच्छा। बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप, फिर नाना जी जो है नैना को पूछ रहे हैं, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप, लेकिन क्या तुमको पता है मैं खड़े क्यों हुआ, लेकिन क्या तुमको पता है मैं खड़े क्यों हुआ? जब धुन बजी, राष्ट्रगान बजा, तो नाना जी खड़े हो गए थे, तो उसी बात को नाना जी कह रहे हैं कि क्या तुमको पता है कि मैं खड़े क्यों हुआ।
एंड स्टूड टू अटेंशन, और बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़ा था। ऐसा क्यों किया मैंने, किधो ने पूछा, नाना जी ने, नैना से, यानी कि जब धुन बजी तो मैं सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा था, क्या तुमको पता था या पता है? तो देखिए, नो नाना जी, भाई, तो नैना कहती है नो नाना जी, नहीं नाना जी, मुझको ये बात समझ में नहीं आया कि जैसे ही धुन बजा, राष्ट्रगान बजी, तो आप जो हैं सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, पर क्यों, ये मुझको समझ में नहीं आया, कि उन्होंने पूछा, नैना ने, एस ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। तो देखिए नाना जी फिर कह रहे हैं, एस ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एस ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को सम्मान देने की सूचना के लिए, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए, या जब राष्ट्रगान बजी तो खड़ा हुआ, और कहते हैं नाना जी, यानी कि जैसे ही राष्ट्रगान बजा मैं खड़े हो गया, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए, राष्ट्रगान की सम्मान के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, एंड अनफॉर्चुनेटली, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, मैं केवल अकेला था ऐसा करने वाला। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब उनके घर में राष्ट्रगान सुनाई दिया टीवी के माध्यम से, तो वो अकेले खड़े हुए, या खड़ा होने वाला वो अकेला ही व्यक्ति था, बाकी और कोई खड़े नहीं हुए। कौन कहते हैं नाना जी। चलिए, ये लेसन लंबा है और दो तीन वीडियो बनेगा लेसन को कंप्लीट करने में, तब तक आप इनको, मेरे वीडियो को और देखते जाएं बार बार, और इनको समझते जाएं, हिंदी मीनिंग भी समझें, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसको देख करके हिंदी मीनिंग भी समझें, और अगला वीडियो जो है इसके बाद। थैंक यू, पुनः एक बार LAC में शहीद जवानों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम। ऐसे ही छोटी छोटी माध्यमों से आप भी देशभक्ति जताएं, दिखाएं, और हमारे जो सेना है, सैनिक है, उनका उत्साह जो है बढ़ाते रहें।